बिग बॉस के घर के अंदर अब वीकेंड का वार में उठा है शिवानी की बीमारी का मुद्दा। क्या शिवानी जो है नाटक करती है या शिवानी वाकई में बीमार है? क्यों नॉमिनेशन के बाद और हर लड़ाई के बाद वो बेहोश होती नजर आती है? आखिरकार शिवानी के नाटक के पीछे क्या है राज? क्या शिवानी कुछ बातें छिपा रही है या शिवानी लोगों को बना रही है बेवकूफ? तो अब यहाँ पर अनिल कपूर ने लगाई है फटकार और यहाँ पर खुल गई है शिवानी की बहुत बड़ी पोल। तो क्या है वो पोल, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ एक तरफ देखने को मिला कि किस तरीके से शिवानी इस हफ्ते भी बेहोश होती नजर आई, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अरमान और साई को ऐसा लगा कि किस तरीके से वो जो है लगातार ड्रामे कर रही है। उन्हें लगा कि शिवानी जानबूझ के सिंपथी कार्ड खेलने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। और अब यहाँ हम आपको बता दें कि अनिल कपूर ने बुलाया है उस डॉक्टर को जो कर रहे हैं शिवानी का इलाज। शिवानी को आखिरकार कौन सी बीमारी है और शिवानी की इस बीमारी के पीछे का क्या है कारण, इन सारी बातों को लेकर अब वीकेंड का वार में खुले हैं बहुत सारे राज। तो यहाँ डॉक्टर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि शिवानी को प्रॉब्लम है और वो जो है जो बीमारी उसे है उसकी वजह से जब भी उसे स्ट्रेस आता है वो बेहोश हो जाती है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये अभी से नहीं है, वो छोटी थी तभी से है। हालांकि उसका इलाज ज़रूर किया जा रहा है लेकिन उसका इलाज इतना आसान भी नहीं है और इसीलिए इतना समय लग रहा है। और यहाँ पर जो कुछ भी वो घर के अंदर कर रही है वो ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके साथ अक्सर होता है। तो इस तरीके से अब ये राज जो है खोला गया है और घर वालों को बताया गया है कि शिवानी को लेकर ये लोग जो बातें सोच रहे हैं, जो उसे गलत समझ रहे हैं, वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में शिवानी के साथ जो कुछ भी घर के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर अब जब शिवानी का ये राज खुला है तो शिवानी खुद भी शर्मिंदा हुई है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके ये सारे राज बिग बॉस के घर में खोले जाएं, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी के सामने आए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।